दोस्तों, काफ़ी दिनों से सोच रहा था आप लोगों के लिए एक बढ़िया सा साउंड बार का रिव्यू वीडियो लेके आऊं, और इसके लिए बहुत दिनों से अलग अलग बजट के साउंड बार को मैं देख रहा था, चेक कर रहा था, और पर्सनली मैं चाह रहा था कि आप लोगों के लिए एक बढ़िया सा 5.1 साउंड बार का रिव्यू वीडियो लेके आऊं। दोस्तों, वैसे अगर आप मेरे चैनल को देखेंगे तो ज़्यादातर मैं प्रोजेक्टर के रिव्यू वीडियो ही लेके आता हूँ। हालांकि एक दो साउंड बार का भी रिव्यू वीडियो मैंने किया है, जैसे कि मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ सोनी का ST-S20R। इसके अलावा दोस्तों, मैंने जेब्रोनिक का 9500WS Pro, उसका भी रिव्यू किया है, उसको भी यूज किया है। मगर दोस्तों, आज जिस साउंड बार का मैं रिव्यू वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, ये साउंड बार हर एक को पसंद आने वाली है, और इस साउंड बार का जो बजट है अंडर 20,000 या फिर 20,000 कह सकते हैं। अगर दोस्तों आप डील पे या फिर बैंक के ऑफर पे अगर लेते हैं तो शायद ये अंडर 20,000 आपको मिल जाए। मगर दोस्तों, इस साउंड बार को मैंने बिना किसी डील या फिर बिना किसी ऑफर के अमेजोन से 999 रुपीज का परचेज किया है। और दोस्तों, इस साउंड बार को पिछले 3 दिनों से मैं हर तरीके से टेस्ट किया है, हर तरीके से यूज किया है, और जो एक्सपीरियंस है इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, ये साउंड बार है ब्लोपंक का, जिसका मॉडल नंबर है SBW 600। दोस्तों, ये साउंड बार डॉल्बे डिजिटल प्लस सर्टिफाइड है, और इस साउंड बार से आप डॉल्बे 5.1 सराउंड साउंड का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब दोस्तों, इसका अनबॉक्सिंग वगैरह मैं नहीं दिखाऊंगा, सीधा मुद्दे की बात करते हैं, क्योंकि वीडियो मुझे ज्यादा लंबा नहीं करना है। फिर भी आपको अगर अनबॉक्सिंग देखना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए। अनबॉक्सिंग वाला वीडियो मैंने शूट किया है, मगर मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप अगर कहते हैं कि इसका अनबॉक्सिंग भी दिखाओ तो उसका अलग से वीडियो मैं बना के डाल दूंगा। अब दोस्तों, इस साउंड बार को पिछले 3 दिनों से जो मैं यूज कर रहा हूं, तो इसको हम बर्न इन नहीं किए हैं, और जो भी मुझे एक्सपीरियंस मिला है ये इसका फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो इसको हम कुछ दिन और यूज करेंगे, और उसके बाद मैं आपको एक अलग वीडियो में बना के दे दूंगा, जिसमें मैं इसको बर्न इन के बाद में किस तरह का साउंड एक्सपीरियंस मुझे मिला, या फिर इतने दिन यूज करने के बाद में जो मेरा एक्सपीरियंस रहेगा वो मैं आपके साथ उस वीडियो में शेयर कर दूंगा। दोस्तों, सबसे पहले इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो मैं आपको बताता चलूं। दोस्तों, ये साउंड बार एक डॉल्बे डिजिटल सर्टिफाइड 5.1 सराउंड साउंड बार है, जिसमें आपको रियर सेटेलाइट स्पीकर वायरलेस मिलते हैं। यानी कि दोस्तों, साउंड बार से आपको सेटेलाइट स्पीकर को कनेक्ट करने के लिए वायर की जरूरत नहीं है, मगर दोनों सेटेलाइट स्पीकर को आपस में कनेक्ट करने के लिए केबल की जरूरत पड़ेगी, जो कि बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको एक पावर एडेप्टर भी मिल जाएगा, जिससे आप रियर सेटेलाइट स्पीकर को पावर दे सकते हैं। इस साउंड बार में आपको 8 इंच का सबवूफर मिल जाएगा, जो कि इस बजट रेंज में मिलना काफी अच्छी बात है। इस साउंड बार में आपको एचडीएमआई, ARC, कोएक्सियल, ऑप्टिकल, ऑक्स, USB जैसे कनेक्टिविटी पोर्ट मिल जाते हैं, ब्लूटूथ 5.0 मिल जाता है, और इस साउंड बार का टोटल आउटपुट आपको 360 वाट का मिल जाता है। दोस्तों, इसके साउंड बार और सेटेलाइट स्पीकर में टोटल 10 2.5 इंच के स्पीकर मिल जाएंगे, जिसमें आपको साउंड बार में 6 और रियर सेटेलाइट स्पीकर में 2-2 के 4 स्पीकर मिल जाएंगे। यानी कि ये साउंड बार हर एक चैनल के लिए 2 स्पीकर का यूज कर रहा है, और इसके साथ आपको 8 इंच का सबवूफर मिल जाएगा, जो कि बेस के लिए जबरदस्त है। दोस्तों, ब्लोपंक एक जर्मनी ब्रांड है, मगर ये प्रोडक्ट आपको मेड इन चाइना ही मिलेगा, पर ब्रांड जो है वो जर्मनी की है, तो यहाँ पर क्वालिटी और स्टैंडर्ड आपको जर्मनी की ही मिलेगी। दोस्तों, आपको इस मॉडल में एक साउंड बार, 2 सेटेलाइट स्पीकर, 1 सबवूफर के अलावा आपको हर वो एसेसरीज मिल जाएगी जो इसके लिए जरूरी है, जैसे कि रिमोट, पावर केबल, पावर एडेप्टर, कनेक्टिविटी केबल, ये सारी चीजें आपको इसके बॉक्स में मिल जाएगी। इस साउंड बार की बिल्ड क्वालिटी की भी बात करें तो साउंड बार की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। सामने आपको मेस ग्रिल डिजाइन देखने को मिल जाएगा ब्लैक कलर में, और बॉडी आपको प्लास्टिक की, सबवूफर के टॉप में आपको प्लास्टिक और पूरी बॉडी आपको वुड की मिल जाएगी। सबवूफर के नीचे की तरफ आपको 8 इंच का स्पीकर मिलेगा, जो कि डाउन फायरिंग है, और इसका बेस रिफ्लेक्टर आपको पीछे की तरफ मिल जाएगा। सबवूफर के पीछे की तरफ आपको कुछ कनेक्टिविटी पोर्ट भी मिल जाएंगे, जैसे कि पावर पोर्ट, एक DC पावर आउटपुट जिसे आपको साउंड बार के साथ कनेक्ट करने के लिए चाहिए, एक सबवूफर इनपुट जो आपको साउंड बार से सबवूफर में कनेक्ट करना है। साउंड बार के बैक साइड में भी आपको सारे कनेक्टिविटी पोर्ट मिल जाएंगे, जैसे कि HDMI ARC पोर्ट, कोएक्सियल पोर्ट, ऑक्स पोर्ट, USB पोर्ट, सबवूफर आउटपुट और एक DC इनपुट। दोस्तों, इस साउंड बार को सेटअप करना काफी इजी है। आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो इसका मैनुअल गाइड आप पढ़ सकते हैं और इजीली इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं इस साउंड बार की परफॉर्मेंस की। तो इस साउंड बार से मुझे कैसा एक्सपीरियंस मिला और किस तरह का एक्सपीरियंस आप पा सकते हैं। तो दोस्तों, साउंड बार का जो पहला टेस्ट हमने किया था, तो साउंड बार, सेटेलाइट स्पीकर और सबवूफर को मैंने टेबल के ऊपर में ही रख के ब्लूटूथ के जरिए अपने फोन को कनेक्ट करके कुछ ऑडियो सैंपल सुने मैंने, और साथ ही साथ कुछ यूट्यूब पे वीडियोस भी प्ले किए, जिसका टेस्ट वीडियो मैं आपको सुनाने वाला हूं।
दोस्तों यहाँ पर जो ऑडियो सैंपल आपने सुना है, हालांकि मैंने ज्यादा लंबा सुना है तो नहीं है, क्योंकि कॉपीराइट रीजन के वजह से, और इस साउंड टेस्ट को रिकॉर्ड करने के बाद में मैंने खुद से भी सुना है तो मुझे काफी ज्यादा डिफरेंट लगा। क्योंकि दोस्तों जो चीज हम रियल में एक्सपीरियंस करते हैं और जिस चीज को हम रिकॉर्ड करके फिर सुनते हैं तो उसमें काफी ज्यादा डिफरेंट होता है। इस वजह से दोस्तों जो ऑडियो टेस्ट आपने सुना है वो मेरे एक्सपीरियंस से काफी ज्यादा अलग है। यानी कि जो मेरा एक्सपीरियंस है इस साउंड बार को लेके, वो कहीं ना कहीं इस ऑडियो टेस्ट में आपको सुनने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूं। दोस्तों किसी भी साउंड बार से आप जब ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करते हैं, चाहे अपने फोन को हो या फिर अपने टीवी को हो, तो वहां पर जो लाउडनेस है आपको ज्यादा मिलेगी। इसके साथ भी ऐसा ही है, ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करने पर इसकी जो लाउडनेस है काफी अच्छी मिली है, काफी ज्यादा मिली है। मेरा जो कमरा है 12x12 का है और मेरे कमरे में इस साउंड बार पे मैं 20 या 23% से ज्यादा का वॉल्यूम पे सुन नहीं पा रहा था, क्योंकि दोस्तों इतने लेवल पे ही इसका साउंड काफी ज्यादा था। तो इस साउंड बार की जो लाउडनेस है वो काफी ज्यादा है। आपके पास अगर बड़ा सा हॉल भी है तब भी दोस्तों इसकी जो लाउडनेस है वो काफी है। तो साउंड बार की लाउडनेस काफी अच्छी है। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी ऑडियो क्लैरिटी के बारे में। तो भाई इस साउंड बार की ऑडियो की क्लैरिटी काफी जबरदस्त है, जिसमें आपको हेवी बेस, जबरदस्त ट्रिबल सुनने को मिलेगा और वोकल की क्लैरिटी, ये तीनों चीजों का बैलेंस जबरदस्त है, जिसमें आप अगर बेस लवर भी हैं तब भी आप हेवी बेस सुन सकते हैं, क्योंकि रिमोट में आपको बेस और ट्रिबल कंट्रोल मिल जाता है, जिसमें आप बेस को +5 से लेके -5 तक कंट्रोल कर सकते हैं और ट्रिबल को +5 से लेके -5 तक कंट्रोल कर सकते हैं। पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो मैंने जितने भी कंटेंट देखे हैं उसमें मैं अपने 12x12 फीट के कमरे में 3 लेवल से ज्यादा ऊपर का बेस नहीं रखा हूं मैंने, और ट्रिबल को भी 3 पे ही रखा है। हालांकि आपका हॉल बहुत बड़ा है तो आप 5 लेवल पे भी रख के काफी जबरदस्त बेस का एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अगर आप एक बेस लवर हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको हर छोटे छोटे बीट भी सुनना है जो ट्रिबल से आते हैं, तो भाई यहां पर भी जो है आपको ट्रिबल कंट्रोल मिल जाता है। आपको हाई ट्रिबल चाहिए तो आप लेवल 5 तक ट्रिबल को बढ़ा सकते हैं या फिर अपने हिसाब से ट्रिबल को कंट्रोल भी करके काफी जबरदस्त साउंड का एक्सपीरियंस पा सकते हैं। वोकल की क्लैरिटी की बात करें तो भाई वोकल की क्लैरिटी भी जबरदस्त है। बेस आपको वोकल पे ओवर पावर नहीं लगती है, यानी कि कुछ साउंड बार होते हैं जहां पर आप अगर बेस बढ़ाएंगे तो वोकल भी जो है वो चेंज हो जाता है, वोकल से भी आपको बेस सुनने को मिलता है, तो इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। वोकल की क्लैरिटी, बेस और ट्रिबल काफी जबरदस्त और काफी क्लियर सुनने को मिलेगी। अब दोस्तों इसे ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करके मैंने यूट्यूब पे कुछ ट्रेलर वगैरह भी देखे हैं, तो वहां पर भी जो एक्सपीरियंस है मुझे काफी अच्छा थिएटर वाला एक्सपीरियंस सुनने को मिला है। तो भाई इस साउंड बार से आप ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करके काफी अच्छा साउंड पा सकते हैं, जिसमें आपको बेस, ट्रिबल और वोकल की क्लैरिटी जबरदस्त मिलने वाली है। साथ ही साथ आपके हाथ में कंट्रोल भी मिल जाता है बेस की और ट्रिबल की, आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं और अपने हिसाब से साउंड क्वालिटी पा सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों मैंने इस साउंड बार को 5.1 सराउंड साउंड के हिसाब से सेटअप किया, जिसमें टीवी को मैंने डेस्क के ऊपर में रखा है और सामने साउंड बार, इसके दोनों रियर सैटेलाइट स्पीकर को मैंने अपने रियर वॉल पे सेट किया और सबवूफर को मैंने ग्राउंड फ्लोर पे रखा है, क्योंकि किसी भी साउंड बार का जो सेटअप है वो इसी तरह रहता है। सबवूफर को आपको ग्राउंड पे किसी भी एक साइड पे रख सकते हैं, साउंड बार आपको टीवी के सामने सेंटर में रहेगा और दो सैटेलाइट स्पीकर जो होते हैं वो आपके रियर में लेफ्ट राइट में सेटअप होते हैं। तो सेटअप मेरा यहाँ पर करने के बाद में सबसे पहले मैंने अपने साउंड बार को HDMI के थ्रू और इसके साथ साथ ऑप्टिकल के थ्रू भी मैंने कनेक्ट किया है। अब दोस्तों यहाँ पर जब भी किसी साउंड बार को आप ऑप्टिकल केबल के थ्रू या फिर HDMI के थ्रू कनेक्ट करेंगे तो ब्लूटूथ के मुकाबले आपको यहाँ साउंड जो है थोड़ा कम सुनने को मिलेगा, मगर क्लैरिटी आपको ब्लूटूथ से जबरदस्त सुनने को मिलेगी। यानी कि ब्लूटूथ से भी कहीं ज्यादा बेहतर साउंड का एक्सपीरियंस आप ऑप्टिकल केबल के थ्रू या फिर HDMI के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो आपको मिलने वाला है। Come on.
यहाँ पर मैंने अपने टीवी पे Amazon Fire TV स्टिक को कनेक्ट किया है और वहां से मैंने यूट्यूब के कुछ कॉन्टेंट देखे, कुछ मूवीज देखे, कुछ गाना सुना, कुछ ट्रेलर वगैरह देखा। तो भाई यहाँ पर भी जो एक्सपीरियंस है वो लाजवाब है, क्योंकि दोस्तों ये साउंड बार आपको हर हिसाब से बेहतर ऑडियो आउटपुट देता है। चाहे आपको हेवी बेस चाहिए, कम बेस चाहिए, वोकल की क्लैरिटी तो है भाई, आप चाहे बेस फुल बढ़ा लो या कम कर लो, आपको वोकल की क्लैरिटी मिलनी ही मिलने वाली है, कोई कंप्लेंट नहीं है। चाहे आप इस साउंड बार को डे टाइम में यूज करो, नाइट टाइम में भी लो वॉल्यूम पे भी आपको वोकल की क्लैरिटी जबरदस्त सुनने के मिलेगी। एक एक डायलॉग आप क्लियरली सुन सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये साउंड बार बेस बढ़ाने पे या फिर घटाने पे भी जो वॉइस की ऑडियो है उसे चेंज नहीं करता। यही रोक दो ना। अब ये मुमकिन नहीं, ये तो अब खत्म होने के बाद ही रुकेगा। दिस नो नो बनाना। So nice to finally meet you, Spider-Man. You're an intruder. Put some clothes on. Let's go for a ride. तो भाई इस साउंड बार को आप अपने टीवी के साथ कनेक्ट करके HDMI ARC के थ्रू कनेक्ट कीजिए, या फिर आपका टीवी पे HDMI ARC नहीं है, ऑप्टिकल है तो ऑप्टिकल आउटपुट के साथ भी कनेक्ट कर लीजिए, या फिर ऑक्स केबल है तो ऑक्स केबल के थ्रू भी आप कनेक्ट कर लीजिए। मगर आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप HDMI के थ्रू ही कनेक्ट कीजिए बेहतर साउंड के लिए। और भाई आपके टीवी में ये ऑप्शन नहीं है तो आप क्या ही कर सकते हैं, ब्लूटूथ के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं या फिर ऑक्स केबल के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको एक जबरदस्त साउंड का एक्सपीरियंस मिलने वाला है। अब दोस्तों इस साउंड बार में आपको एक और फीचर भी है जो मुझे काफी अच्छा लगा। इसमें आपको तीन इक्वलाइजर मोड मिल जाएंगे, जिसमें पहला है म्यूजिक मोड, यानी कि आप अगर म्यूजिक वगैरह सुनते हैं तो इक्वलाइजर मोड 1 को सिलेक्ट कीजिए, जिसमें आपको काफी अच्छा साउंड सुनने को मिलेगा म्यूजिक के हिसाब से, जिसमें हर ट्यून हर एक नोट काफी साफ सुनने को मिलेगी। इसके अलावा आपके हाथ में कंट्रोल तो है ही, आप अपने हिसाब से बेस ट्रेबल को कंट्रोल कर ही सकते हैं। इसके अलावा इक्वलाइजर 2 में आपको मूवी मोड मिल जाता है, तो आप अगर मूवी वगैरह देखते हैं तो मूवी देखते वक्त भी आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। और तीसरा जो इक्वलाइजर मोड मिलता है वो है न्यूज का। दोस्तों इस साउंड बार को आप अपने टीवी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं और आप न्यूज वगैरह देखना चाहते हैं, आपको कुछ ज्यादा हेवी बेस वगैरह नहीं चाहिए, क्लैरिटी वोकल की क्लैरिटी आपको अच्छे से सुनना है, जो न्यूज है आपको काफी अच्छे से सुनना है, तो भाई ये तीसरा नंबर जो इक्वलाइजर है जिसमें आप काफी अच्छे से न्यूज वगैरह जो है सुन सकते हैं। और इस मोड पे जो बेस है वो पूरा खत्म हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ आपको वोकल की क्लैरिटी मिलेगी, वोकल ही सुनने को मिलेगा, तो ये भी काफी अच्छी चीज है। इसके अलावा यहाँ पर आपको 3D मोड का भी ऑप्शन मिल जाएगा। आप अगर 3D मोड को यूज करते हैं तो आपको एक कॉन्सर्ट हॉल जैसा या फिर जो ऑडियो आउटपुट है वो आपको एक हॉल की तरह आपको सुनने को मिलेगा, जो मुझे उतना खास पसंद नहीं आया। अब दोस्तों यहाँ पर एक और चीज मैं आपको इस साउंड बार के बारे में बताना चाहूंगा। आप इस साउंड बार को अपने टीवी के साथ या फिर प्रोजेक्टर के साथ किसी के साथ भी कनेक्ट कर लीजिए और आप यूट्यूब देखते हैं या फिर कोई भी 2.0 चैनल वाला कंटेंट देखते हैं तो ये साउंड बार आपको एक वर्चुअल सराउंड साउंड क्रिएट करके देता है, जो कि एक्चुअल 5.1 सराउंड साउंड तो नहीं होता है मगर एक वर्चुअल सराउंड साउंड कह सकते हैं, जिसमें आपको वोकल सिर्फ और सिर्फ सामने से सुनाई देगी और साउंड के जो इफेक्ट्स वगैरह होते हैं या फिर म्यूजिक सुनते वक्त जो म्यूजिक होता है वो आपको रियर स्पीकर से अलग सुनने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये एक्सपीरियंस भी मुझे काफी अच्छा लगा। अब दोस्तों आते हैं इसके फाइनल टेस्ट 5.1 सराउंड साउंड का, क्योंकि दोस्तों ये साउंड बार डॉल्बी डिजिटल प्लस सर्टिफाइड के साथ में आता है और इस साउंड बार को हमने परचेस ही किया है भाई 5.1 सराउंड साउंड एक्सपीरियंस के लिए। ब्लूटूथ से कनेक्ट करके हमने म्यूजिक सुन लिया, कंटेंट देख लिया, टीवी के साथ कनेक्ट करके हमने म्यूजिक सुन लिया, कंटेंट देख लिया, वीडियोस देख लिए, न्यूज सुन लिए, सभी में ये बेस्ट है, अच्छा आपको ऑडियो आउटपुट दे रहा है। मगर भाई इस साउंड बार को कनेक्ट करके हमको थिएटर वाला 5.1 सराउंड साउंड का भी तो एक्सपीरियंस करना है। और ये 5.1 सराउंड साउंड का एक्सपीरियंस आप कैसे पा सकते हैं? Amazon Prime, Netflix, Hotstar जैसे OTT प्लेटफॉर्म के कंटेंट में आपको Dolby Digital, Dolby Digital Plus या फिर Dolby Atmos जैसे ऑडियो फॉर्मेट का कोडिंग मिल जाता है। तो मैंने इस साउंड बार को अपने टीवी के साथ कनेक्ट करके Amazon Fire TV Stick के थ्रू Amazon Prime और Netflix के Dolby Digital वाले कंटेंट को प्ले किया। तुमने कुछ पूछा? क्या पूछा? आपसे पहले कभी कुछ नहीं बताया।
और आज ऐसे अचानक से put some clothes on. Let's go for a ride. अब दोस्तों जैसे कि मैंने पहले ही आप लोगों को कहा था कि जो मैं रियल एक्सपीरियंस कर रहा हूं और जो ऑडियो फाइल जो ऑडियो टेस्ट में आपको सुना रहा हूं उसमें काफी फर्क है, तो यहां पर जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ यहां शेयर करने वाला हूं। दोस्तों इस साउंड बार से जो 5.1 सराउंड साउंड का एक्सपीरियंस है काफी जबरदस्त है, और जैसे कि मैंने कहा कि इस साउंड बार का जो बेस ट्रिबल और वोकल की क्लैरिटी काफी अच्छे तरीके से सेट किया गया है, तो आप कोई भी मूवी देख लें चाहे उसमें कितना ही हैवी बेस आप क्यों ना रखें, आपको वोकल की क्लैरिटी जबरदस्त सुनने मिलेगी, हर एक डायलॉग आप सुन सकते हैं। इसके अलावा जो सराउंड एक्सपीरियंस है वो भी काफी अच्छा मिलने वाला है। दोस्तों इस साउंड बार में अगर मैं एक कंप्लेंट अगर करूं तो इस साउंड बार के जो रियल सैटेलाइट स्पीकर में जो केबल दिया है जिससे हम दोनों सैटेलाइट स्पीकर को कनेक्ट करते हैं, इसकी जो लेंथ है वो कम दी गई है। यानी कि दोस्तों इसकी जो केबल है उसकी जो लेंथ है वो 8 फीट है और मेरा जो कमरा है वो 12 फीट है, तो ये एक चीज कंप्लेंट मैं कह सकता हूँ, केबल का लेंथ जो है थोड़ा बड़ा देना चाहिए, ताकि जैसे मेरा जो कमरा 12 फीट का है तो दोनों सैटेलाइट स्पीकर को मैं अपने दोनों ही वॉल पे मैं सेट कर सकता, तो ये एक चीज थोड़ा कमी लगी मुझे, जिसे आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। ओवरऑल अभी तक मेरा जो एक्सपीरियंस उसकी मैं बात करूं तो अंडर 20,000 या फिर 20,000 में भी ये जो साउंड बार है मुझे काफी अच्छा लगा, काफी जबरदस्त साउंड इससे सुनने को मिलता है। मैं पर्सनली खुद एक बेस लवर हूं, मुझे म्यूजिक हो या फिर मूवी देखते वक्त भी हो थंपिंग बेस सुनना मुझे पसंद है, और ये साउंड बार उस चीज को डिलीवर करता है। उसके साथ साथ इसमें आपको ट्रिबल और वॉइस की क्लैरिटी भी काफी जबरदस्त सुनने को मिलेगी। 20,000 के रेंज में ये साउंड बार मैं आपको डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा, चाहे आप इसे अपने टीवी में यूज करें या फिर अपने प्रोजेक्टर के साथ आप सेटअप करके अपने घर को थिएटर वाला माहौल बनाएं, फुल थिएटर वाला आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है, चाहे आपका कमरा छोटा हो या बड़ा हो। तो भाई मेरे तरफ से आप अगर इस साउंड बार को परचेस करना चाहते हैं तो फुल रेकमेंड है आपके लिए, बिना किसी सोच की इस साउंड बार को आप परचेस कर सकते हैं, जिसका परचेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक रिक्वेस्ट आपसे जरूर करूंगा, आप अगर इस साउंड बार को परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे परचेस लिंक का यूज जरूर कीजिए, ताकि फाइनेंशियली थोड़ा सा सपोर्ट हमें मिल सके, जिसके लिए दोस्तों आपका प्राइस बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, वही प्राइस पे मिलेगा जिस प्राइस पे आप परचेस कर रहे हैं, मगर हमें अमेजोन की तरफ से एक एफिलिएट कमीशन मिल जाता है जिसकी मदद से हम दूसरे प्रोडक्ट वगैरह परचेस करके आप लोगों के लिए रिव्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था ब्लोपंक की तरफ से आने वाला अंडर 20,000 या फिर 20,000 रेंज में मिलने वाला 5.1 डॉल्बी डिजिटल सर्टिफाइड साउंड बार का रिव्यू। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तो आज का वीडियो बस इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।